वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ अपने एंगेजमेंट का जो फंक्शन है अच्छे से एंजॉय करा होगा। 3rd of September को थी हमारी एंगेजमेंट एंड आज है 7th of September, तो डेकोरेशन वाले सारे बाहर आ गए हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। 8th of September से हमारे सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, जो तो एंजॉय करो। दिखाता हूँ आपको किस तरीके से डेकोरेट हो रहा है हमारा घर। तो जी लीजिए, इस तरीके से डेकोरेट हो रहा है अपना घर, देख सकते हो आप। अभी पूरी डेकोरेशन कम्प्लीट नहीं हुई है, ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगा जब पूरी डेकोरेशन कम्प्लीट हो जाएगी। दिस इज दी फ्रंट साइड एंड इस तरीके से हमारा जो गेट है वो डेकोरेट हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी बताना अगर आपको भी अच्छा लगे तो। देख रहे हो सामान वामान सारा भी बिखरा हुआ है, तो पूरा जब हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगा कंप्लीट डेकोरेशन के बाद भी। एंड ये हमारा गेट, तो चलो भाई इनको अपना काम निपटा दें तो फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ कम्प्लीट होने के बाद। तो लो जी, हो गई है अपनी डेकोरेशन कम्प्लीट। छतरियाँ सारी लग गई हैं, ठीक है भाई। ये हुई है अपनी डेकोरेशन एंड ये खड़ी है अपनी जाने मन। चलो भाई The next day. तो हाँ जी भाई, लोग क्या हाल है अपने सबके। आज है 8th of September एंड आज है मेहंदी का फंक्शन। तो आपको एक चेहरा नया दिख रहा होगा अपने व्लॉग में, ये चेहरा नया नहीं है। मैंने शॉर्ट व्लॉग्स बनाए थे, दो बिग फैट बनिया वेडिंग के, इनकी वेडिंग थी तो उसी के हमने व्लॉग्स बनाए थे एंड इनका नाम है मानसी। आज है मेहंदी का फंक्शन, हम फटाफट घर डेकोरेट करते हैं। आपको दिखाता हूँ किस तरीके से प्रॉपर हम घर डेकोरेट करने वाले हैं। उसके बाद मेहंदी का फंक्शन है तो धीरे धीरे गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपको मिलवाऊंगा जो जो आज आने वाला है। तो एंजॉय करते हैं इसी फंक्शन को साथ में, बने रहना व्लॉग में। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। बस ऐसे ही ठीक है, ऊपर आई समाओ फील कील तो फिर भी होनी चाहिए। नहीं नहीं लगा दे कील। अरे समाओ समाओ भी है, ठीक है। अब इसको एक बीच में ढोक दो ऊपर करके। ठोको ठोको ये ना, क्या दू क्लिप क्लिप नहीं, जिगजैग थोड़ी करना, सीधा करना है इसको, बोल स्ट्रेट। हां ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। कोई एक बंदा मुझे चाहिए जो सोफे के पीछे डालेगा इसे। मिसाल जी हटिए, आइए आइए, यही है वो बंदा, आइए आइए। अरे क्या क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ क्या करूँ इसका। ये जी आए हमारे प्रिंस सिंह जी अमृतसर से। आपको याद होगा, आपने अमृतसर वाले ब्लॉग में देखा होगा हम इनके यहाँ रुके थे। कुछ बोलना चाहोगे आप हमारी पब्लिक को? मनु तो जानते हैं ना पहले तो ही। हाँ की करा रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई कील कहाँ है, कील दिखाना जो लेके आए थे अभी ठोकने के लिए। ये देखो भाई, ये कील आई है डेकोरेशन के लिए। ये देखो ये हमारा अनमोल लेके आया है कील, घोड़ा बांधने के लिए। बच्चन जी later that same evening.
तो यार इस तरीके से हमने डेकोरेशन करी है घर की, जरा चेक करो कितनी जबरदस्त डेकोरेशन हुई है घर की। ये सारी हमने करी है डेकोरेशन एंड मेहंदी वाले भैया आ गए हैं, मैंने लगवा लिया है मेहंदी, दिखाओ दूसरे हाथ पे भी लग रही है एंड वानी अभी स्टार्ट कर रही है मेहंदी लगवाना। तो यार चाची भी आ गए हैं एंड इनकी भी मेहंदी लग गई है ऑलमोस्ट, चेक करो ज़रा। एंड पलक भी आ गई है, पलक से हेलो, वानी की मेहंदी ये लग रही है, मेहंदी लग चुकी है, आगे आगे दिखा दो मेहंदी, दिखाओ आगे आगे पीछे, ठीक है जी डन है। अच्छा हमको सिखा रही है, अच्छा दिख गया थे बोला हो गया उन्हें बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। हेलो जी चाचा जी आ गए हमारे, अब आप पिक्चर में दो चाचा जी को देख रहे होंगे यहाँ पे, हमारे चाचा जी को तो आप मिले हुए, कई बार मैंने ब्लॉग में इनको लिया हुआ है, फुल रेडी हो गए हैं, शौक शौक में इन्होंने मेहंदी भी लगवाई है, दिखाओ जी मेहंदी अपनी जो कि इन्होंने खराब भी कर ली है। हाँ जो कि थोड़ी थोड़ी इन्होंने खराब कर ली है। एंड अब वो आपको चेहरा नया दिख रहा होगा फुल स्मार्ट से, बताओ जी कौन है? हमारे चाचा के चाचा, मेरे चाचा जी हैं, इनके दादाजी, तो मतलब मेरे चाचा जी के चाचा जी हैं, राइट राइट राइट। एंड यहाँ पे महक है, महक को तो आप जानते ही हो, एक बार पहले मेरे दादाजी, ये मतलब दादाजी है हमारे। एंड प्रिंस जी को तो आप मिले ही हो, क्यों जी कुछ कहना चाहते हो आप? ये हमारे घर वाले ये सब ये विशाल जी बैठे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ महक गॉट रेडी एंड ये रहा हमारा जट। चलो जी भाई महारानी को चेक करो जरा, पैरों पे भी मेहंदी लगवा रही है, वाह भाई भाई की शादी है, थोड़ी जोर से बोलना होता है, भाई की शादी है, शौक पूरा कर रही हूं। अच्छा भाई ये आया है हर्ष, वानी का और सहज का लंगोटिया यार, हेलो बोल दो भाई। वन बाय वन आपको सबसे मिलवा दिया मैंने, मेन बंदे हमारे अब आए हैं कोहली मामा, जो कि मेरे ब्लॉग की एंड इस पार्टी की रौनक है, आपने लास्ट वाले ब्लॉग में भी देखा होगा एंगेजमेंट वाली क्लिप में भी सबसे ज्यादा मामा ने एंजॉय करा। तो ये हमारे कोहली मामा, ये है उनकी वाइफ, आप अपना नाम बता दो, कोहली मामी, ये है उनके बेटे साहेब एंड ये है उनकी वाइफ, ये हमारी फैमिली पूरी कोहली मामा की, सबको एंजॉय कराएंगे। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? नहीं एक बार मम्मा ये डायलॉग हो जाए जी मम्मा। अच्छा हाँ ये बात तो जी बानी की फैमिली में एक मेहंदी के टाइम पे रसम होती है जो दूल्हे से करवाई जाती है, तो वही रसम चल रही है, एंजॉय करो। अरे खोल दो हाथ, खोल दो, चलो जी स्पाइडरमैन अरे बस करो हो गया हो आप तो। लो जी एक और महारानी आई है बानी के बाद, जिन्होंने पैरों पे भी मेहंदी लगवाई है।
तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत ही बढ़िया रसम दिखाऊंगा आपको घड़ोलियन शादी का फंक्शन। मिलते हैं दोबारा, सायोनारा।